हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अर्पिता। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। सो बहुत दिनों से मैंने कुछ रेड एंड ऐसे ग्लिटरी लुक नहीं बनाई थी, सो टुडे आई थॉट कि मैं ऐसा लुक क्रिएट करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ क्लिनिक का मॉइस्चराइजर। एज यू ऑल नो मी कि मैं बहुत ही ड्राई स्किन से बिलोंग करती हूँ, दैट्स वाई मैं अच्छी तरीके से अपने स्किन को यहाँ पे प्रेप कर रही हूँ। पहले मॉइस्चराइजर, देन यहाँ पे सेरम अप्लाई कर रही हूँ। ये मैं बेला भोसले का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो प्राइमर तो आप लोगों को पता होगा मेरी स्टेबल है, तो मैं यही हमेशा यूज़ करती हूँ। सो आप अपने फेस के हिसाब से ही अप्लाई करो, ये बहुत ही स्मूथ है। ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मेरी जहाँ पे भी पोर्स है मैं अच्छी तरीके से वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। एज यू कैन सी, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। देन हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप पे मैं दो फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, जो कि थोड़ा सा लाइटर है लेकिन परफेक्ट है, और उसके साथ मिक्स कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, जो कि थोड़ा सा डार्कर है। और ये समर्स में ऐसा होता है, मेरी स्किन थोड़ा सा चेंज होता है कलर वाइज, सो इसीलिए मैं मिक्स करके अभी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। और अच्छी तरीके से, यही एक ट्रिक है अगर आपके पास सही शेड की फाउंडेशन नहीं है। तो एज यू कैन सी मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, और ये जो कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, जो कि लाइटर शेड है। ओब्वियसली मुझे थोड़ा सा लाइटनिंग इफेक्ट देनी है अपनी अंडर आई एरिया में, अपनी चिक बोन पे, अपने चिक्स में। सो वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, फोरहेड में भी, जहाँ पे भी हाइलाइटर आप लगाते हो ना वहाँ पे मुझे लगानी है। और उसके साथ मैं ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मेरे स्किन टोन के हिसाब से एकदम परफेक्ट मैच करता है, विच इज़ इन द शेड टॉफी। तो वो मेबलिन का जो फिट मी, उसके बाद मैं आईब्राउज करूंगी। यू गाइज नो मी, आई जस्ट लव टू डू माय आईब्राउज। आईब्राउज के बिना मेरी मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सेम जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं आईब्राउ का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने अली एक्सप्रेस का परचेज करी थी। इतना अच्छा आईब्राउ बनता है इसमें से ना। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय देन चेकआउट माई ब्रशेज वीडियो, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे मैं सेम मेबलिन का जो फिट मी कंसीलर है उसके हेल्प से अपनी आईब्राउज को डिफाइन कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मैंने थ्रेडिंग नहीं करी हुई है तो थोड़ा सा कंसील है, सो इट्स अ ट्रिक। तो उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये पैलेट, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का। उसमें दो शेड है, एक कंटोरिंग के लिए और एक येलो बनाना पाउडर। तो येलो बनाना पाउडर जो है मैं इंटायर फेस पे अप्लाई करूँगी। मैं आज फेस है येलो दिखता है लेकिन आपके फेस को येलो दिखाता नहीं है, सो सिर्फ सेट कर लेता है। और यहाँ पर मैं ब्रोंजर लाइक कंटोर कर रही हूँ सेम पैलेट करिए, जो मैं बाद में करूंगी। तो पहले मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, और ब्लश थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए अभी मैं छोटी ब्रश में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फ्लफी ब्रश में उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी। यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड का प्रेशियस पेटल्स जो है हाईलाइटर, उसे अप्लाई कर रही हूँ अपने इंटायर फेस में। आई जस्ट लव दिस हाईलाइटर, ये बहुत ही सटल लुक देता है। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके पास बजट फ्रेंडली हाईलाइटर नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। एंड उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसे अच्छी तरीके से डैबिंग मोशन में डैब कर रही हूँ, ताकि जो भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई करी है वो सटल होकर फेस में दिखे। और अभी मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ, जो कि मैंने तब से अप्लाई करके रखी हुई थी। और ये इमेजिक प्रो का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे डार्क एंड रेड अंडरटोन कलर्स हैं, जो कि मैंने अली एक्सप्रेस से परचेज करी थी। इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, पहले एक रेड डार्क रेड कलर लेके अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज में। सो उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी। मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम लिया है इसे ब्लेंड करने में, एडिटिंग की वजह से आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि ओब्वियसली ब्लेंडिंग एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो मैं इतना बड़ा प्रोसेस आपको अगर वीडियो में दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे गोल्डन का शिमरी फॉइल शेड एक है, जो कि मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी, और ये सिर्फ मैं इनर कॉर्नर पे ही अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद में ब्यूटी तो यहाँ पे मैं ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जिसमें रेड ग्लिटर्स है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये रेड ग्लिटर, और लगा कि ये आई लुक के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा। ये प्रेस्ड ग्लिटर्स है, और उसे मैं अपनी मिडिल ऑफ दी आईज़ यानी कि क्रीज एरिया में लगा रही हूँ, ताकि मेरी आई लुक जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे। आप देख सकते हो, ये बॉडी भी कैरी कर सकते हो एंड मॉडर्न वे पे भी कैरी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और बहुत ही टाइम लगता है आईलाइनर लगाने में, क्योंकि दोनों साइड में परफेक्टली लगाना इज़ अ टास्क। तो आप अपने टाइम लो एंड अच्छी तरीके से अप्लाई करो। तो ये मैं आई एम स्टारडम का जो है आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और नीचे जो है सेम रेड ग्लिटर जो मैंने क्रीज एरिया में लगाई थी वो मैं नीचे लगा रही हूँ। नीचे कोई आई शेडो मैंने नहीं लगाई है, वही ग्लिटर ही लगाई है। सो अभी मैं मस्कारा लगा रही हूँ, ये वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा है, और मैं नीचे भी लगा रही हूँ ऊपर भी लगा रही हूँ, ताकि मेरी आईज़ थोड़ी सी खुली खुली लगे।
और यू कैन सी मस्कारा जो है बहुत ही अच्छा लुक देता है। अब मैंने तो यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, ये फेसेस कनाडा का काजल है और आप कोई भी काजल अप्लाई कर सकते हो, इसमें कुछ लाइक डिफरेंट नहीं है। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक एंड दिस इज़ फ्रॉम वेला वोसले इन द शेड वाइल्ड, जस्ट दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और दिस इज़ माई फाइनल लुक, आई होप कि आई लुक एंड मेरी एंटायर बेस लुक आप लोगों को पसंद आएगा। डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।